100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। मामला सीतापुर यूपी के कोतवाली मिश्रित का है, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने खेतों की ओर गई थी, तभी गांव के ही दो युवकों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर लड़की को पकड़ लिया और उसे पास के ही एक कॉलेज में ले गए और उसके साथ रेप किया। उसके बाद लड़की को धमकी देते हुए वहां से भाग गए। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों ने इसकी पूरी घटना की तहरीर थाने में दी। कोतवाल ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपियों के साथियों की तलाश जारी है। बगल में है वही काले पट्टर खंडर, हम ले ट्रेन के गए थे, हम तो ये हम आए कहा चलो चलो, तो हम कहें कहा चले, तो कहा चलो तो आज अगर हम कहें ना जीवा तो धक्का मार के ले गया। उसके बाद में कहा पौड़ो, हम कहें ना पौड़ो तो जबरदस्ती धक्का मार पौड़ा रही। उसके बाद में और पेंट उतारी मेरे पानी उतारी, उसके बाद में बसंत है बसंत तो हाथ पैर पकड़ी रहे फिर कर ही रहे। ये लोग कॉलेज के अंदर थे, कॉलेज के अंदर से बाहर कूदे, लड़की हमारी गई थी लेकिन वहाँ जो है इसको पकड़ा और पकड़ करके इसका बलात्कार किया। किन किन लोगों ने बलात्कार किया है? बबलू थे और बबलू के साथ में और जो लड़के हों तो उसका क्या नाम है, कई लड़के थे, कई कई लड़का रहे उसके साथ में, तीन चार। अब नाम तो इतना बताने थे हम कौन कौन रहे। सीतापुर में थाना मिश्रिक क्षेत्र में एक गैंगरेप की घटना संज्ञान पर आई है। ये इसमें विक्टिम 13 साल की है और उसके साथ एक लड़का उसके साथ रेप किया था और उसको सहयोग में एक और लड़का साथ में उसके सहयोग कर रहे थे और चार अन्य लड़के थे, ये इनके वीडियो बना रहे थे और इनके घटना के अनुसार FIR रजिस्टर किया गया है। विक्टिम को मेडिकल परीक्षण और पॉक्सो एक्ट के तहत सारे कार्रवाई प्रचलित है। इसमें मुख्य आरोपी और इसके सहयोगी कस्टडी में लेकर पूछा जा रही है और आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है इसमें।